प्रोपाइल थायो यूरेसिल। प्रोपाइल थायो यूरेसिल, जब भी हम प्रोपाइल थायो यूरेसिल के बारे में बात करते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एंटी थायरॉयड ड्रग है। ये कैसी ड्रग है? एंटी थायरॉयड है, यानी कि ये वर्क करती है अपोजिट डायरेक्शन में थायरॉयड ग्लैंड के, ठीक है, यानी थायरॉयड ग्लैंड के फंक्शन को रोकेगी। ठीक, अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आप देख सकते हैं, नाम में पता चल रहा है प्रोपाइल, प्रोपाइल यानी कि तीन कार्बन, 1 2 3, ठीक है। तो भाई तीन कार्बन की चेन प्रोपाइल, थायो यानी कि सल्फर, डबल बॉन्ड एस, ये सल्फर, ठीक है। यूरेसिल, ये जो रिंग्स देख रहे हैं आप अंदर, ये है यूरेसिल का स्ट्रक्चर। तो भाई ये नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, प्रोपाइल थायो यूरेसिल, प्रोपाइल थायो और ये यूरेसिल, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है प्रोपाइल थायो यूरेसिल का। तो देखो, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सीधा साधा है। ये इनहिबिट करता है T4 को T3 में कन्वर्जन होने से, कि भाई T4 T3 में कन्वर्ट ना हो पाए, इसको रोक देता है ये, ठीक है। क्योंकि T3 हमारा ज़्यादा फंक्शन करने वाला हार्मोन होता है, ठीक है। तो भाई T4 जब T3 में चेंज हो ही नहीं पाएगा तो भाई ज़्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करता है, दूसरा ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, कि जो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा उसी को रोक देगा, यानी कि T4 के बनने को ही रोक देगा। तो भाई ये दोनों काम करता है एक साथ में, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही काम याद रखने हैं, ठीक। अब बात आती है इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो भाई सीधी बात है, जब ये एंटी थायरॉयड ड्रग है तो भाई इसका यूज़ वहीं होगा जहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड अपने लिमिट से फालतू ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक। तो इसका यूजेस है ट्रीट इन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि जब थायरॉयड ग्लैंड हाइपर होके काम करेगा, यानी कि जितना उसको करना चाहिए उससे ज़्यादा काम करेगा, हाइपर काम करेगा थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो उस केस में यूज़ होगा प्रोपाइल थायो यूरेसिल का, ठीक। तो भाई ये थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और स्ट्रक्चर। आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये।